तो अब बात कर लेते हैं कोरोना की। घटा संक्रमण, बढ़ा छूट का दायरा। प्रदेश में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है। सुबह 5 बजे से लागू हो गई नई गाइडलाइन। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने की छूट मिल गई है। सिनेमा घरों में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है, तो वैक्सीन लगवा चुके दर्शकों को ही एंट्री मिलेगी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में 50% दर्शकों को ही एंट्री मिलेगी। तो अनलॉक 4 की एक और गाइडलाइन जारी हो गई है। अनलॉक 4 हो चुका है और इसमें आपको बता दें कौन कौन सी छूट मिली है, ये भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और हमारे साथ जयपुर से कविता जुड़ गई हैं और जोधपुर से राजीव गौर जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं कविता, क्योंकि पहले जैसे रविवार को कर्फ्यू हुआ करता था वो अब खत्म कर दिया गया है, आज भी दुकानें खुलेंगी। तो फिलहाल जयपुर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्या बाजार खुले हुए हैं? मेगा, जैसे कि आप जानती हैं कि अनलॉक 4.0 जो है वो आज से लागू हो चुका है। कल देर रात गाइडलाइंस आई हैं जहां पर कि इन सब व्यवसायों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है जी। हम इस वक्त मौजूद हैं राजमंदिर थिएटर में। आप देख सकते हैं कि जयपुर का ही नहीं, राजस्थान का बहुत बड़ा जाना माना थिएटर है ये जी। और कविता, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स भी खुल रहे हैं और आप इस वक्त राजमंदिर के पास में हैं, क्या यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं, किस तरह की यहाँ पे सुरक्षा रखी गई है, क्या यहाँ पे सैनिटाइजेशन और मशीन है जिससे चेक होता है, या वैक्सीनेशन को लेकर कोई पत्र देखा जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर सुरक्षा है? देखिए मेघा, क्योंकि कल रात को ही गाइडलाइंस आई हैं, इसलिए आज जो सारे संचालक हैं, थिएटर संचालक हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। आज का जो दिन है वो ज़्यादातर सिर्फ तैयारी में लगे हुए हैं। कल से थिएटर्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। लोगों के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन डाली है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिल सकेगा जिन लोगों ने कम से कम एक डोज वैक्सीन की लगवा ली है। जहाँ तक की बात है कि थिएटर्स की, यहाँ पे थिएटर्स ने सारा इंतज़ाम कर लिया है। अंदर यूवी रेज लगी हैं, जब भी कोई नहीं होगा शो के बीच में यूवी रेज से सैनिटाइजेशन किया जाएगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यहाँ पे अगर आप देख सकती हैं कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन लगा हुआ है, सबको सैनिटाइज करके ही अंदर आना है। जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनकी कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पे जो उनका सर्टिफिकेट है वो चेक किया जाएगा। हम यहाँ पे कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे बात करेंगे हमसे कि आप बताएंगे सर कि यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है कि कल से आपका थिएटर्स खुलने जा रहा है वापस से? तैयारी तो सारी है हमारे यहाँ पर। क्या यहाँ पे वैक्सीनेशन का चेक कैसे करेंगे लोगों को? आरोग्य सेतु से, मोबाइल के मैसेज से, आरोग्य सेतु और मोबाइल के मैसेज से। जब ये एंट्री और 50% ऑक्यूपेंसी बोली गई है, सिर्फ 50% लोग ही अंदर आ चुके सकेंगे, उसके बारे में क्या इंतजाम किए हुए हैं? एक सीट छोड़ के मेगा, जैसे कि आपने देखा कि एक सीट छोड़ के एक सीट यहाँ पर वैक्सीनेशन कि जो लोग हैं, वैक्सीन लोग हैं वो बैठा पाएंगे, यहाँ पर ज्यादा लोगों को अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए, और क्योंकि गाइडलाइन अनलॉक 4 की कल जारी हुई है, रात को जारी हुई है, तो ऐसे में आज सुबह व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्योंकि कविता, ये आप बता रही हैं राजमंदिर जयपुर की तस्वीरें, जोधपुर का रुख करते हैं। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि अनलॉक 4 हो चुका है, गाइडलाइन कल रात जारी हो चुकी है, मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं फिलहाल चल रही हैं क्योंकि कल रात ये गाइडलाइन आई है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं? जयपुर की हमने तस्वीर आपको दिखाई, जोधपुर और अजमेर से हमारे सहयोगी कौशल जैन भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ राजीव गौर जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या व्यवस्थाएं हैं जोधपुर में, किस तरह तैयारी चल रही है, क्या कुछ ध्यान रखा जा रहा है कोविड गाइडलाइन का?
देखिए मेघा, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाइडलाइन जारी की है अनलॉक फोर की, उसके तहत मल्टीप्लेक्स खुल चुके हैं, सिनेमा खुल चुके हैं। हालांकि सिनेमा में पिक्चर लगने में भी टाइम लगेगा और जिस तरीके से 50% की ही अनुमति है उस लिहाज से बुकिंग के आधार पर हो सकता है कल से सब कुछ सामान्य हो जाए। आज खुले हैं, तैयारियां चल रही है, मल्टीप्लेक्स मॉल्स खुल गए। अब देखिए संडे को आमतौर पर कर्फ्यू हुआ करता था, लेकिन अब आज तस्वीरें सुखद तस्वीरें, महिलाएं गृहिणियां घर से निकली हैं, बाजार पहुंची हैं। महिलाओं को भी सैटरडे और संडे के अलावा टाइम मिलता नहीं, खासतौर पर संडे को टाइम मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुंची है। बात करने की कोशिश भी करते हैं। मैम, इतने दिन तक तो जो कर्फ्यू चल रहा था, परेशानी चल, सब कुछ खुल गया, किस रूप में लेंगे, सावधानी बरतनी जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है, मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखनी, भीड़ हो तो आना जाए। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह से सावचेत हैं। और देखिए एक तस्वीर भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं, जो सज्जन यहाँ पर खड़े हुए हैं वो पहले ये चेक करते हैं कि किसी ने अगर सैनिटाइज नहीं है तो सैनिटाइज कराते हैं, थर्मल स्कैनिंग है वो है, और खुद ने भी जिस तरीके से गार्ड वगैरह लगा रखे हैं। बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ से लोगों की एंट्री जो है पिक्चर हॉल के रूप में, जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर पिक्चर मल्टीप्लेक्स पिक्चर हॉल है और नीचे जिस तरीके से बाजार जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाइडलाइन पालना कराने के आदेश दिए उसको देखते हुए तमाम एजेंसियां हैं वे भी सतर्क और सावधान है। देखिए कि जिस तरीके से सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, दुकानें सज चुकी है, और खास तौर पर अगर बात करें या मैनेजर से भी बात करते हैं, सर किस तरीके से मल्टीप्लेक्स चलेगा और कैसे सावधानी बरतेंगे आप? अब सर साहब को 50% सीटों का है अभी तक तो, पर जो सावधानी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी सख्ती से पालना करेंगे। तो आप देख सकते हैं सख्ती से पालना कराने की जो है वो कोशिश रहेगी, दुकानें बाजार सब कुछ सज चुका। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर लोगों ने थोड़ी लापरवाही बरती तो वापस हालात वैसे ही हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर को लेकर के पूरी गंभीरता बरती जा रही है। जी बिल्कुल। और अजमेर का रुख करते हैं और यहाँ से हमारे सहयोगी कौशल जैन भी जुड़े हुए हैं। कौशल, आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मल्टीप्लेक्स की हो, मॉल की हो, संडे को अक्सर काफी समय से ये जो सुखद तस्वीरें हैं वो देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब जब दिख रही है, तो अजमेर कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या स्थिति, क्या व्यवस्थाएं? जी देखिए मेघा, जहां तक बात करें तो ये बहुत बड़ी राहत है। एक लंबे समय के बाद जो रविवार हुआ करता था, लोग घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर हो गए थे, आज वो सड़कों पर निकले हैं, बाहर निकले हैं, बाजारों में आए हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से जो रौनक है वो बाजारों की सड़कों पर भी देखी गई। इस समय मौजूद एक मॉल के अंदर जहाँ कैमरा पर्सन तीरथ बुंदेल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो देखिए, ये मॉल में लोग नहीं हैं, लोगों का इंतज़ार किया जा रहा है, दुकानें खुल चुकी हैं, और अब जो इंतज़ार है वो ग्राहकी का है कि किस तरह से ग्राहक आएँ और ये दुकानें जो है आबाद रहे। खास बात ये, बहुत सुखद बात ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, वो लगभग सभी मास्क लगाए हुए होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। हम बात करें अब थिएटर से, तो यहाँ पर जो थिएटर्स हैं, क्योंकि देखिए रात को गाइडलाइन जारी हुई है और ऐसे स्थिति में आज सुबह से ये तैयारियाँ की जा रही हैं, और माना जा रहा है कि 4 बजे तक ये तैयारियाँ संपूर्ण करने के बाद एक बार इन तैयारियों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और उसी के बाद जो सिनेमाघर हैं वो संचालित किए जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो देखिए इस मॉल के अंदर कई सारी दुकानें, जहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें भी हैं, ज्वेलरी शॉप भी हैं, और जो छोटे मोटे वस्तुओं की दुकानें हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ग्राहकों का इंतज़ार ये दुकानदार करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, हम इनसे बात करेंगे, इस रेस्टोरेंट के जो ऑनर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ और किस तरह की सावधानियाँ इस दौरान बरती जा रही हैं, आज इतवार को भी खोलने का जो है वो इजाज़त मिली है। कुछ ज़्यादा कुछ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह रही सर, ऐसे पहले से ज़्यादा, आज संडे को खुल गया तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन कुछ ऐसा मॉल में कुछ ऐसा नहीं है जिस भीड़ भाड़ हो रही है, हमारे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं। मास्क को लेके कितनी संजीदगी दिखाते हैं, कितना गंभीर है मास्क को लेके? मास्क को लेके बहुत गंभीर है सर, हर यहाँ पे बैठने के बाद तो मास्क लगाना वैसे ज़रूरी नहीं रेस्टोरेंट में। तो देखिए निश्चित रूप से मेगा, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि मास्क जरूरी, यहाँ पर ये भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, बिना मास्क के लोगों को किस तरह से क्या आने देते हैं या किस तरह से सख्ती की जाती है? बिना मास्क तो कोई अलाउ है नहीं, अंदर अलाउ घुसने नहीं देते हैं, वो सबसे बोलते हैं मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगाना। आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है क्या? जी लगवा। तो देखिए मेघा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात बहुत सुखद है कि लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग डरने लगे हैं, और ये डर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना की तीसरी लहर जो है वो कभी भी आ सकती है,
और इसको लेकर भी लोग जो है वो चिंतित हैं। ये देखिए लिफ्ट पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी हम देखें तो बहुत सुखद तस्वीर है कि सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के लिए जो जंग है वो जारी है और लोगों की अवेयरनेस ये साबित करती है कि लोग भी खुद चाह रहे हैं कि अब किसी भी तरह से कोरोना से मुक्ति मिले जिससे जीवन और जीविका पटरी पर आ सके। जी बिल्कुल, और यही कोशिश है, लेकिन दो तस्वीरें निकल के आती हैं। एक तरफ जो दुकानदार हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब ग्राहक आना शुरू होंगे, क्योंकि संडे को अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती थी कि सुबह से ही भीड़ आना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब ये भीड़ क्या दोबारा से आएगी? हालांकि इसे भीड़ ना कहें, ये कहें कि लोग एक लिमिटेड संख्या में, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा बाहर निकलना है, और अगर निकलना भी है तो सुरक्षा जो मानक है उनको ध्यान रखते हुए बाहर निकलना है, मास्क पहन के निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया।